हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ISDFantasy.com में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे IPL T20 के 12th मैच की, जो होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मैच की मैच इन्फो, पिच रिपोर्ट, टीम न्यूज़, उनके जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, उनका जो प्रीवियस इनकाउंटर हुआ है, और जो उन टीम्स के लास्ट 5 IPL मैचेस हुए हैं उसके बारे में। और मैं आपको ड्रीम 11 और माय टीम 11 की फैंटेसी टीम भी दिखाऊंगा एंड तक, तो एंड में। तो आप वीडियो को बने रहिए, एंड तक पूरी वीडियो को देखिएगा। और उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर मैं आपको शाम को फाइनल टीम होगी वो भी आपको यहीं मिलेगी। तो आप जल्दी से चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और गिवअवेज भी चलते रहते हैं, तो छोटे मोटे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो IPL T20 का 12th मैच होने वाला है वो राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में होने वाला है। आज का मैच काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही मैच जीते हैं, और कोलकाता नाइट राइडर्स भी चैंपियन टीम है। तो आज का मैच काफ़ी टीम बनाने में भी आपको काफ़ी बढ़िया हो सकता है आप। तो आज का जो मैच है वो दुबई में होने वाला है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। और वहाँ के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 36 डिग्री टेम्परेचर दिखने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो आज की जो पिच रहने वाली है वहाँ पर, जो आपका एवरेज स्कोर है वो 150 प्लस का एवरेज स्कोर आपको वहाँ पर दिखाई दे सकता है, 150 रन का एवरेज स्कोर वहाँ पर बन सकता है। तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं उनके बारे में। तो अभी तक इन टीम्स के बीच में 21 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने 10 मैचों में जीत हासिल करी है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी 10 मैचेस में जीत हासिल की है। तो इनका एक मैच जो था वो काउंट नहीं हुआ था। अब इनके प्रीवियस इनकाउंटर की बात कर ले तो प्रीवियस इनकाउंटर में इनका आपके राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर का जो प्रीवियस इनकाउंटर हुआ था उसमें आपके कोलकाता नाइट राइडर ने 175 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और राजस्थान रॉयल्स ने 170 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान रॉयल्स ने चेस किया था और जीत भी हासिल की थी। कोलकाता नाइट राइडर्स में आपके दिनेश कार्तिक ने 50 गेंदों पर 97 रन बनाए थे और नीतीश राणा ने 36 गेंदों पर 21 रन बनाए थे। वहीं आपके रियान पराग ने 31 गेंदों पर 47 रन और रहाणे ने 21 गेंदों पर 34 रन बनाए थे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ उनके जो लास्ट 5 जो पिछले IPL मैचेस हैं उनके क्या पोजीशन रही है। तो उसमें राजस्थान रॉयल्स ने पहला मैच जीता था और बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा मैच राजस्थान रॉयल्स हार गई थी। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते हैं तो उसने सिर्फ पहला ही मैच हारा था, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैच राजस्थान को कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गई थी। तो राजस्थान रॉयल्स का जो IPL T20 का फुल स्क्वाड है उसमें कौन कौन से बंदे होते हैं, कौन से रहने वाले हैं, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता नीचे दिखा दिया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन प्लेयर्स के नाम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के बंदों की बात करता हूँ तो उनका पूरा स्क्वाड मैंने आपको नीचे यहाँ पर दे दिया है, वीडियो को पॉज करके इनको भी आराम से देख लीजिएगा। तो हम बात करेंगे टीम न्यूज़ की। तो राजस्थान रॉयल्स जो है अपनी सेम ही स्क्वाड के साथ, उनके जो प्लेइंग 11 थे उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहेगी, और बेन स्टोक आज भी अनअवेलेबल रह सकती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और राजस्थान रॉयल्स की अब हम बात करते हैं इनके प्लेइंग 11, जो इनके प्लेइंग 11 रहने वाले हैं उसमें आपके होंगे जोस बटलर, स्टीवन स्मिथ, संजू सैमसन, रियान पराग, रॉबर्ट थप्पा, राहुल तेवतिया, टॉम करन, अंकित राजपूत, श्रेयस गोपाल, जोफ्रा आर्चर और जयदेव उनादकर। और वहीं अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर लेते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स में आपके हो गए सुनील नरेन, सुमन गिल, योर मुर्गन, नीतीश चाना, आंत्र रसल, दिनेश कार्तिक, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, पैट कमिंस, शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी।
तो ये तो हो गई हमारी प्लेइंग इलेवन की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फैंटसी टीम बना रहे हैं तो जिन जिन बंदों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए कुछ सजेशंस लेके आया हूँ मैं। आप उनमें से किसी बंदे को कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। तो बात कर लेता हूँ राजस्थान रॉयल्स की, उसमें आपके होगा स्टीव स्मिथ, जोफ्रा आर्चर और संजू सैमसन। आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसिस में ले सकते हैं। और कोलकाता नाइट राइडर में आपके होगा इवन मुर्गा, सुनील, आंद्रे रसल। आप दिनेश कार्तिक को भी ले सकते हैं इसमें। दिनेश कार्तिक का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जब भी राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की मैच हुआ है उसमें दिनेश कार्तिक का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यह रहने वाली हमारी माई टीम इलेवन और ड्रीम इलेवन की फैंटेसी टीम जो मैंने यहाँ पर बनाई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैंने आपके विकेट कीपर संजू सैमसन और दिनेश कार्तिक को लिया है। बैट्समैन में आपके स्टीवन स्मिथ, शुभमन गिल, इवन मॉर्गन को लिया है मैंने। ऑलराउंडर आपके राहुल तेवतिया और आंद्रे रसल को लिया है। बॉलर्स में आपके टॉम करन, जोफ्रा आर्चर, वरुण चक्रवर्ती और पैट कमिंस को लिया है मैंने। कैप्टन संजू सैमसन को बनाया है और वाइस कैप्टन में शुभमन गिल को बनाया है। तो ये तो मैंने ही टीम बना कर दिखाई है। जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको 7:20 तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप सिंपली जाइए उस पर क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। आज के मैच से रिलेटेड सारी भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो भी फाइनल टीम होगी वो भी आपको यहीं पर मिलेगी, चाहे वो टीम बल्लेबाजी की हो, ड्रीम इलेवन की हो, माई टीम इलेवन की हो, आपकी सब की फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप जल्दी से जाइए और इसको ज्वाइन हो जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर 41.3 के सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप जल्दी जाइए, इसको ज्वाइन हो जाइए। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो तो फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।